इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चिड़ियाघर में बाघ के हमले में एक युवक की मौत हो गई है। ये पर्यटक सफेद बाघ के बाड़े में घुस गया था। चश्मदीदों के मुताबिक कर्मचारियों के मना करने के बावजूद ये लड़का बाघ के बाड़े में घुस गया। जिस बाड़े में बाघ को रखा गया था उसकी ऊंचाई करीब 18 फीट थी, लेकिन पर्यटक बाड़े से कूदता हुआ अंदर घुस गया। बाघ करीब 15 मिनट तक लड़के को खींचता रहा। ये बेहद दर्दनाक तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के चिड़ियाघर की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वहां पर किसी व्यक्ति ने अपने फोन कैमरे पे कैप्चर की और किस तरह से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन किस तरह से ये बेहद दर्दनाक लम्हा वहां पर रहा होगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाघ को भागते हुए, और ये इस हमले के बाद की तस्वीर है। चिड़ियाघर में ये पर्यटक बाघ के बाड़े में जाने के लिए आमादा था, और वहां पर किस तरह से बाघ ने इस पर हमला किया और उसके बाद जो लोग वहां पर थे चिड़ियाघर में उस वक्त मौजूद, उन्होंने इन सब कुछ को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। बेहद दर्दनाक तस्वीरें। 15 मिनट तक ये बाघ उस पर्यटक को बाड़े में घसीटता रहा। इस हमले में पर्यटक की मौत हो गई। चिड़ियाघर में इस सफेद बाघ ने उस पर्यटक पर हमला किया, जिसके बाद आप देख सकते हैं वहां पर जो अधिकारी थे, स्थानीय अधिकारी, वो भी पहुंचे और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस पर्यटक को वहां पर चेतावनी दी गई थी कि वो इस बाड़े से दूर रहे, लेकिन वो आमादा था कि वो इस बाड़े के पास जाकर इस बाघ को देखे, और यही सब करते हुए उस कोशिश में किस तरह से इस पर्यटक की दर्दनाक मौत हुई है आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जिस वक्त ये हमला हो चुका था उसके बाद उसी बाड़े में वो बाघ आपको नजर आएगा। ये वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने अपने कैमरे में ये तस्वीरें कैप्चर की हैं। बार बार जब भी इस तरह के किसी भी जू या चिड़ियाघर में जाया जाता है, चेतावनियां हर जगह लिखी रहती हैं, बाकायदा बोर्ड्स होते हैं वहां पर, चेतावनियां लिखी होती हैं कि इस तरह के बाघ के बेड़ों से और जो भी खतरनाक जानवर हैं उनसे दूर रहें, लेकिन इसके बावजूद ये दुर्घटना हुई। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। सब जने देख रहे थे, जैसे देखने आए थे चिड़ियाघर में, चीता को देख रहे थे। देखने के दौरान उसमें वो झाग रहा था, झागते समय वो बहुत काफी दूर था, देख उसे गिर गया वो, फिर वहाँ पर किसी कारण वो गिर गया। गिरने के बाद में जब 2 मिनट बाद फिर चीता आया उसके पास को, आकर उसको देखा। देखने के बाद में 10 मिनट तक उसने हाथ जोड़े, चीता हटता रहा, मतलब वो कुछ भी सोच रहा हो, हटते हटते उसे बहुत टाइम हो गया, काफी 15 से 10 मिनट तक होगा उसको। होने के बाद में उसने उसको पंजा मारने के बाद में वो शेर थोड़ा सा पीछे को हटा, इतने में एक ने पत्थर उठा के मारा। पत्थर उठा के मारने के बाद में जब उसने उसकी गर्दन पकड़ी, फिर एक बार पकड़ के छोड़ दी थी, फिर दोबारा पकड़ी ठाकर फिर उसे ले गया। ले जाने के बाद में पल्ली साइड ले गया के वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जब फिर सिक्योरिटी ने डंडा बजाया पल्ली ओर से, ग्रिल में बजा रहे थे वो, ग्रिल में बजाते समय फिर उसकी नाड़ पकड़ी, फिर पल्ली साइड ले गए, फिर उसे नुई घुमाते रहे वो, उसकी गर्दन तोड़ पर पकड़ के ना, गर्दन तो उसकी पाड़ ही दी थी। आपने सुना, ये जो चश्मदीद हैं ये बता रहे थे कि कैसे ये पूरी दुर्घटना घटी। ये व्यक्ति आपको बता दें एक 12वीं का छात्र था, और शायद उत्सुकता में उसने चिड़ियाघर के अंदर इस बाड़े के अंदर जाने की हिमाकत की। लगातार चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद ये दुर्घटना। चिड़ियाघर के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहाँ पर हैं, बावजूद इसके लोग मानते नहीं हैं, चेतावनी को नज़रअंदाज करते हैं। हमने कई बार धुआं से हटाया, फिर धमकाया, फिर भी यहाँ आ गए। वो रेलिंग क्रॉस करके हेज में घुसने के बाद खुद जानबूझ कर कूदा है, फिर सामने टाइगर घूम रहा है, वो आया उसे उठा के अटैक करके ले गया, खींच के ले गया। सुरक्षा पूरा है आज तक, कुछ यहाँ से आगे जाना ही नहीं है। ये रेलिंग लगी हुई है, हेज लगी हुई है, फिर भी लोग यहाँ घुसते हैं हेज के अंदर। उसके बाद कूदा है, जानबूझ के कूदा है। चार हैं, एक टाइम एक खुलता है, एक टाइम एक खुलती है।
हमारे संवाददाता विमल कौशिक बात कर रहे थे वहां पर अधिकारियों से, हमारे साथ इस वक्त हैं। विमल, थोड़ा बताइए किस तरह से चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ये 12वीं का छात्र उस बेड़े में घुसा और वहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। देखिए, जहाँ तक इस शख्स की बात है, अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है, कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। हमारे साथ दो आई विटनेस हैं, जिस वक्त ये पूरी घटना हुई वो ठीक उस वक्त उसी जगह मौजूद थे। हमारे साथ बिट्टू हैं। बिट्टू, बताइए किस तरीके से पूरी घटना हुई है। घटना ये हुआ था कि शेर पल्ली साइड था, सब लोग देख रहे थे ग्रिल के पास से, तो ग्रिल के पास से सब लोग देख रहे थे, तो ग्रिल के साइड में एक और दीवार है, वो ग्रिल उतर कर उस दीवार पर दौड़ के खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में वो उसको झाँक रहा था, छेड़ रहा था, उस अपना वजन नहीं संभाल पाया, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद में चीता ने उसकी आवाज़ सुनी गिरने की, उसे यह नहीं पता था कौन गिरा। वो दूर से आया, आकर उसने सीढ़ी से उतर के देखा तो नीचे एक आदमी ऐसे बैठा हुआ था। उसने ये आदमी नू करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, तो वो 10 मिनट तक रुका है, 10-1 मिनट तक उसने छेड़ा नहीं। फिर उसके एक पंजा मारा, पंजा मारने के बाद में नाड़ पकड़ी तो उसने नू करा, फिर भी उसने छोड़ दिया उसको। छोड़ने के बाद में फिर एक शख्स ने उसको पत्थर मारा, पत्थर मारने के बाद में जब वो उससे थोड़ा सा चिढ़ गया, पत्थर मारते नहीं उसने उसकी नाड़ पकड़ ली, पकड़ के फिर वो उसको ले गया। जिस दौरान वो रेलिंग टाप कर दूसरी तरफ गया दीवार के पास, वहाँ गार्ड मौजूद थे जिस टाइम में पूरी घटना हुई, गार्ड ने रोका? नहीं नहीं, उस टाइम गार्ड नहीं थे, गार्ड भग के आया था, जैसे गिरने की आवाज़ रोला मचाया और उन्होंने जब आया था, आने के बाद में उसने सिक्योरिटी को बोला, बहुत सिक्योरिटी को फ़ोन भी करा उसने, करने के बाद में आपस में फ़ोन होता रहा, घनी सिक्योरिटी आ गई थी, आगे पीछे से डंडा बजल लगते, वैसे ग्रिलों में बजे थे, उसमें नहीं, शेर को किसी ने नहीं छेड़ा। फिर पिंजरे को बजाने लगे ताकि शेर पिंजरे में आकर आ जाए, पर उसने उसको नहीं छोड़ा। फिर तो कितनी देर तक ये चला होगा, आप कितनी देर वहाँ रहे, कितनी देर तक शेर उस शख्स पर हमला करता रहा? शेर ने तो वो 10 मिनट तक तो शेर ने उसको छेड़ा ही नहीं, 10 मिनट तक गार्ड भी खड़ा हुआ था, सब आ गए थे, बहुत टाइम हो गया था, उसने उसको छेड़ा ही नहीं था। पत्थर मारने के बाद में जब थोड़ा सा वो चिढ़ा या उसके फिर जी में आई हो, फिर उसके पकड़ने के बाद में जब 10-15 मिनट के बाद में फिर वो उसको करा उसको। देखिए, आई विटनेस हैं जो काफ़ी बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि 10 मिनट तक वो शख्स जब नीचे गिरा उस बाड़े में, क्योंकि 18 फीट की उसकी हाइट है, 18 फीट नीचे जब वो गिरा, वहाँ पर एक वाइट टाइगर मौजूद था बाड़े में, खुला घूम रहा था। हालांकि उस बाड़े में 4 वाइट टाइगर हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही टाइगर को छोड़ा जाता है, और उस वक्त जो टाइगर बाहर था, 10 मिनट तक वो शख्स उस टाइगर के सामने रहा, लेकिन टाइगर ने उस पर हमला नहीं किया। 10 मिनट का समय काफ़ी बड़ा होता है, सुरक्षा के इतने दावे किए जाते हैं, इतने इंतजाम की बात की जाती है, लेकिन थोड़ी देर पहले वहां पर जू के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की थी, जो बात ये चश्मदीद रख रहे हैं कि 10 मिनट तक वहां पर बाघ इस व्यक्ति को घसीटता रहा लेकिन कोई आया नहीं। चेतावनी के बोर्ड्स तो लिख दिए जाते हैं लेकिन सुरक्षा के प्रबंध वहां पर होते हैं कि नहीं? देखिए, जिस तरीके से, हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अपना तर्क है, उसका कहना है कि हमने जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक ये शख्स खुद बाड़े के अंदर कूदा, इसको गार्ड ने कई बार रोका, रेलिंग ना टापे, लेकिन रेलिंग जिसकी बात की जा रही है, रेलिंग कोई बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं, उसे कोई बच्चा भी पार कर सकता है, रेलिंग पार करके दीवार की भी कोई हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी जो बाड़ा है बाड़े की हाइट करीब 18 फीट है, लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम की बात की जा रही है, बाहर जहाँ से जो टूरिस्ट हैं, जो दर्शक हैं, जो देखते हैं, उनके लिए कोई खास सुरक्षा के अरेंजमेंट नहीं है। अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाए, जिस तरीके से ये जो आई विटनेस है ये बता रहे हैं कि पैर फिसल गया, जो संतुलन है वो बिगड़ कर वो नीचे गिर गया, उसको रोकने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हाइट नहीं है उस दीवार की और ना ही रेलिंग की। और जिस तरीके से गार्ड की बात कही जा रही है कि हर बाड़े पर एक गार्ड मौजूद है, हालांकि लोगों का कहना है उस वक्त वहाँ कोई गार्ड मौजूद नहीं था, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई उसके बाद शोर मचाया तो वहाँ पर गार्ड आए, लेकिन वो भी केवल एक मूक दर्शक बनकर देख रहे थे, और जब लोगों ने वहाँ शोर मचाया उससे परेशान होकर टाइगर ने फिर हमला किया, और करीब 15-20 मिनट तक ये हमला चलता रहा, जिसके बाद उस शख्स की मौत हो गई। कई गंभीर सवाल उठाता है इस पूरी घटना में, कई सवाल हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, आखिर जो जू एडमिनिस्ट्रेशन है 15-20 मिनट तक क्यों उस शख्स को बाहर नहीं निकाल पाया, ऐसी क्या क्या कमियां रही, अब इन सब की ये जांच के बाद सामने आ पाएंगे। जी बिल्कुल विमल, जो इस व्यक्ति ने किया वो तो एक तरह की चेतावनी बाकी सबके लिए है ही, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन वहां पर जिस तरह से 10-15 मिनट तक बाघ उसे घसीटता रहा और कोई मदद नहीं मिल पाई, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के जू से आ रही है, जहां पर एक सफेद बाघ ने एक पर्यटक पर हमला किया और इस हमले में इस व्यक्ति की मौत हो गई। तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए ये व्यक्ति इस शेर के बेड़े में घुसा और वहां पर इस बाघ ने उस पर हमला किया जिसमें उस व्यक्ति की मौत हो गई।
तमाम सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि 10-15 मिनट का यह समय रहा होगा जब बाघ लगातार इस व्यक्ति को खींचता रहा, लेकिन कोई मदद क्यों नहीं मिल पाई वहां पर इस व्यक्ति को। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने अपनी तरफ से पत्थर मारने की कोशिश की इस बाघ की तरफ कि किसी तरह की कोई मदद हो पाए, लेकिन वहां पर किसी तरह की कोई मदद ऑफिशियली या फिर आधिकारिक तौर पर नहीं मिल पाई। संवाददाता विमल कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। विमल, जो लोग भी दिल्ली जू गए होंगे वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर ज्यादातर जूज में ऐसा ही होता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जानवरों को छोड़ दिया जाता है। आपने कहा कि बहुत ऊंची नहीं है वो दीवार जिस बेड़े में ये बाघ रहते हैं, ऐसे में कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि कभी ये बाघ उस दीवार को पार करके इस तरफ ना आ जाए जब जहां लोग रहते हैं? देखिए, जहाँ तक इस दीवार की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो अगर दूसरी तरफ की बात करें जहाँ बाघ का वो बाड़ा है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो बाहर जहाँ पर दर्शक मौजूद होते हैं, जहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, जो देखने जाते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा अरेंजमेंट नहीं है। अगर रेलिंग की बात करें उसकी हाइट मुश्किल से 1 फीट, या फिर उस दीवार की बात करें जिसके बारे में कह रहे हैं, वो दीवार ऊपर आकर मुश्किल से 1 से 1.5 फीट है, जिसे कोई बच्चा भी आसानी से पार कर सकता है। और जिस तरीके से ये घटना बताई जा रही है, उस शख्स ने उस रेलिंग को पार किया और रेलिंग के बाद उस दीवार के सहारे जैसे ही वो लगा वो नीचे गिर गया। नीचे की जो हाइट है वो 18 फीट है, यानी कि बाघ का इस ओर आना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे टूरिस्ट जो जाते हैं उनके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम नहीं है। अगर पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं कि पहले भी जो लोग एनिमल्स को देखने आते हैं, जू में घूमने आते हैं, वो पत्थर मारते हैं, तो इस तरह से काफ़ी बार ये हुआ है कि बाघ परेशान रहते हैं या दूसरे जानवर काफ़ी परेशान होते हैं, इसके लिए भी जगह जगह नोटिस लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरह के अरेंजमेंट किए जाने चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार दावा करता है कि यहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, तमाम इंतजाम किए गए हैं, हालांकि बाघ की तरफ से अगर कहें ऊंचाई काफ़ी थी, 18 फीट की हाइट है, लेकिन जहाँ पर टूरिस्ट विमल इस व्यक्ति के साथ कोई आया हो जो इसे जानता हो, ये अभी कुछ पता नहीं लग पाया है? जी नहीं, बिल्कुल काफ़ी लोग थे उस समय जो उस वक्त साथ घूम रहे थे, लेकिन कोई भी उस शख्स को नहीं पहचानता। सबका यही कहना है कि काफ़ी देर से ये शख्स घूम रहा था। हालांकि जिस तरीके से जो जू एडमिनिस्ट्रेशन है ये बातें कर रहा है कि वो शख्स बाड़े के अंदर कूद गया, तो अगर ये शख्स काफी देर से यहां घूम रहा था, इस बात का भी कि जू प्रशासन वहां पर ये बताए कि अगर कोई हादसा इस तरह का होता है तो किस तरह की तैयारी वहां पर है इससे बचने के लिए, क्योंकि इस हादसे में वो नजर नहीं आई।